So again, good afternoon, everyone. So I'm Mitesh Vasoya from technical team, and I will be handling today's community call. So let's start with a basic introduction of Xero's community. What is Xero and how it works? Okay, so what is zero? So basically, zero is zero error reconciliation operation, which helps you to easily reconcile your invoices, which payment made using the UPI or via card. So at that time, you don't need to manually calculate collection amount at end of the day. So why Hisab is a big hassle? So as an owner, you are not always available at your store to manage all the Hisab and all the other things. Also, you have to do right. So trust and punctuality. So you have to trust your staff and whoever is managing the Hisab and collection. So this is one issue. Multiple channels of the payments, like, so it may possible that you may have multiple channels, like you are accepting payment using Paytm, and sometimes some other payment modes are also there, like Razorpay or Pine Labs or something like that. So it's also a time consuming method that you need to check each and every payment channel or in each and every payment partner to manage or calculate exact income amount, right? So for every invoice. So we have come up with zero. So let me give you a demo regarding the zero. So is my screen visible? Yes, visible. So basically हमें जब जीरो एक्टिवेट करना है तो हम पहले हमारे अकाउंट के सेक्शन में जाएंगे और वहां पे हम जो भी पेमेंट पार्टनर यूज कर रहे हैं, तो फिर हमें जाना है इंटीग्रेशन के अंदर और वहां पे जो भी पेमेंट पार्टनर आप यूज कर रहे हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी हम फॉर एग्जाम्पल हम पेटीएम यूज कर रहे हैं, तो पेटीएम के साथ आप जब जाओगे, पेटीएम पर क्लिक करोगे तो कॉन्फ़िगर का बटन आपको दिखाई देगा, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सारे डिटेल्स है वो फिलअप करके रखी है। तो यहाँ पे एक्टिवेट, डीएक्टिवेट और अपडेट का बटन आ रहा है। अगर आप प्रीफिल कर रहे हो तो फिर यहाँ पे एक्टिवेट का बटन आएगा। जैसे ही आप अपडेट एक्टिवेट पर क्लिक करेंगे तो आपको फिर जाना है मैनेज डिवाइसेस के अंदर। तो बेसिकली ये कैसे वर्क करेगा कि अगर आपका कोई एक EDC डिवाइस है तो आपको EDC डिवाइस जो है वो आपको मैनेज डिवाइसेस के अंदर से ऐड करना पड़ेगा, और फिर वहां से पर्टिकुलर आप कोई एक EDC मशीन है उसको आपको पर्टिकुलर कोई PC के साथ अटैच करना है। कई बार ऐसा होता है कि कहीं कहीं जो केमिस्ट होते हैं उनके स्टोर पर मल्टीपल बिलिंग काउंटर्स होते हैं और मल्टीपल EDC मशीन्स होते हैं, तो उस टाइम पे क्या कर सकते हैं कि पर्टिकुलर काउंटर पर, बिलिंग काउंटर पर जो EDC मशीन रहता है उसको आप लिंक कर सकते हो, ताकि पर्टिकुलर वो जो EDC मशीन है उसके अंदर ही जो पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट है वो चला जाए। तो आपको यहाँ से, आप जैसे ही न्यू डिवाइस पर क्लिक करेंगे, अगर आपका पहले से सेटअप नहीं है तो आपको EDC मशीन सिलेक्ट करना है। उसके बाद टर्मिनल ID होगा, या फिर अगर आप रेजरपे का यूज कर रहे हो तो वहाँ पे सीरियल नंबर होगा, वो आपको ऐड करना है। और जैसे ही आप ऐड पर क्लिक करोगे तो इस तरह से ये डिवाइस ऐड हो जाएगा। सॉरी टू डिस्टर्ब, आप यस, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्या? सॉरी, आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्या? नहीं दिख रहा है स्क्रीन आपका। दिख ओके, रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा? एक बार मैं फिर से शेयर करके ट्राई करता हूँ। ओके।
हेलो, नाउ नाउ इट्स विजिबल। नॉट इट. यस इट्स विजिबल। आई थिंक दे हैव सम एनी अदर पीपल इन द मीटिंग कैन सी? ओके. या इट्स विजिबल, दिख रहा है. देन ओके, थैंक यू. या सो लेट्स स्टार्ट विथ, लेट्स कंटिन्यू। ओके, सो आपको यहाँ पे आपने जो डिवाइस ऐड किया है वो दिख जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, जो पर्टिकुलर पीसी को आपको लिंक करना है ईडीसी के साथ, तो वो ईडीसी सिलेक्ट करके, और आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार जो पीसी है उसमें एज एन ओनर आपको लॉग इन करना पड़ेगा। तो वहाँ से आप जैसे ही लॉग इन करोगे तो आप वो पीसी को ईडीसी के साथ लिंक कर सकते हो। तो मैंने अभी, मुझे इजीली पता चल जाए इसीलिए मेरा नाम, लैपटॉप का नाम दे दिया है। और जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे तो ये जो ईडीसी मशीन है वो पर्टिकुलर पीसी के साथ लिंक हो जाएगा। तो वो पीसी में से जितने भी इनवॉइस का अमाउंट आपको कलेक्ट करना है वो ईडीसी के थ्रू, तो उसी ईडीसी में वो रिक्वेस्ट चला जाएगा। राइट, सो हम एक कभी ट्राई करते हैं पेमेंट करने के। हाँ ओके, सो मैं यहाँ पे सेल्स के स्क्रीन पे आ गया हूँ और मेरा एक ये बिल 245 का पहले से बना हुआ है। राइट, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाके जैसे यूपीआई पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो अभी डिवाइस है उसके अंदर ये रिक्वेस्ट आ जाएगा, और जैसे ही कस्टमर उसको स्कैन करके पे करेगा तो उस टाइम पे ये बिल ऑटोमेटिकली रिकनसाइल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मेरे पास डेमो डिवाइस है इसलिए मुझे 1 मिनट तक वेट करना पड़ेगा, तो क्योंकि डेमो में हम डायरेक्ट पेमेंट नहीं कर सकते इसलिए, तो हम 1 मिनट तक वेट करते हैं। सो मैं बेसिकली तब तक इसका फ्लो समझा देता हूँ। ये कैसे वर्क करेगा कि आप जब यहाँ से रिक्वेस्ट कर रहे हो पेमेंट के लिए, तो उस टाइम पे ईवाइटल है वो पर्टिकुलर अमाउंट के लिए पेटीएम या फिर रेजर पे आप यूज कर रहे हो तो रेजर पे को रिक्वेस्ट करेगा, और रेजर पे की ओर से आपके डिवाइस पे रिक्वेस्ट आएगा। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि नेटवर्क इश्यू की वजह से, मतलब आपके स्टोर पे आप जो वाईफाई यूज कर रहे हो उसका नेटवर्क अगर स्लो है, या फिर रिजर्व पे के साइड से या पेटीएम की साइड से कोई इश्यू चल रहा है अभी, तो उसकी वजह से 1 या 2 सेकंड या 3 सेकंड का थोड़ा लैग हो सकता है कि रिक्वेस्ट आने में थोड़ा टाइम लगे। लेकिन जैसे ही, मतलब अच्छा फास्ट नेटवर्क होगा तो वो 1 सेकंड में आपके डिवाइस जो ईडीसी मशीन है तो उसके अंदर आ जाएगा। तो अभी जैसे मेरा यहाँ पे पेमेंट हो गया है तो आपको रिसीव का सक्सेस का मैसेज भी दिख जाएगा, और जैसे ही पेमेंट होगा ये बिल ऑटोमेटिकली रिकनसाइल हो जाएगा। राइट, तो ये बेसिकली जीरो का फ्लो ईडीसी मशीन के साथ कैसे वर्क कर रहा है ये था। ठीक है, अब जीरो के अंदर आप इनवॉइस को भी लिंक कर सकते हो। मतलब ये है कि आपका अगर थोड़ा बिजी काउंटर है और आपका अगर थोड़ा बिजी काउंटर है और आपके वहाँ पे, मतलब क्यूइंग सिस्टम नहीं, मतलब एक एक के बाद एक कस्टमर नहीं आ रहे, मल्टीपल कस्टमर एक साथ आ रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, इनवॉइस का यूज कर सकते हो। तो उसमें क्या होता है कि जो डीक्यूआर जैसे हम डिवाइस पर शो करते हैं उसी तरह से डीक्यूआर हम इनवॉइस पे प्रिंट करके दे सकते हैं। तो आप अपने कस्टमर को इनवॉइस प्रिंट करके दे सकते हो और कस्टमर वो स्कैन करेगा और वो कस्टमर वो क्यूआर ही स्कैन करके पेमेंट कर देगा डायरेक्टली, तो आपके जो पेटीएम का अकाउंट है उसके अंदर ही वो बिल रिकनसाइल हो जाएगा। राइट, अब जीरो के अंदर हमने अभी नए इंटीग्रेशंस दो लॉन्च किए, जो है एक पाइन लैब्स का ईडीसी इंटीग्रेशन, मतलब पाइन लैब्स का ईडीसी मशीन आप यूज कर रहे हो तो आप इंटीग्रेट कर सकते हो जीरो के साथ,
और एक है फोन पे का DQR इंटीग्रेशन, मतलब आपको इनवॉइस पे अगर DQR प्रिंट करना है और आप ऑलरेडी फोन पे यूज कर रहे हो तो आप फोन पे का DQR इंटीग्रेशन कर रहे हो, और फोन पे का EDC मशीन का जो इंटीग्रेशन है वो अभी टेस्टिंग फेज में है, तो वो आई थिंक नेक्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली लॉन्च हो जाएगा, तो वो हम आपको अपडेट कर देंगे। तो उसके बाद आप फोन पे का EDC मशीन अगर एग्जिस्टिंग यूज कर रहे हो तो आप फोन पे का EDC मशीन भी लिंक कर सकते हो। और नए अपडेट्स में और एक ये है कि EDC मशीन कैन बी नाउ लिंक विद वितरण एंड RX मोबाइल ऐप। सो अगर आप वितरण यूज कर रहे हो या फिर इवाइटल RX की मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर रहे हो तो उस टाइम पे आप वितरण के अंदर और RX मोबाइल एप्लीकेशन के साथ भी जीरो इंटीग्रेशन यूज कर सकते हो, यानी कि आप मोबाइल में से भी EDC कनेक्ट करके उससे पेमेंट ले सकते हो, राइट। एंड स्टाफ कैन लिंक अनलिंक EDC विद देयर सिस्टम। मतलब पहले ये था कि एज एन ऑनर आप जब पर्टिकुलर, मतलब आपके सारे स्टाफ के लिए, सारे स्टाफ के PC के लिए आपको लॉग इन करके EDC मशीन लिंक करना पड़ता था, तो वो थोड़ा आपके लिए फ्रस्ट्रेटेड हो जाता था। तो अभी हमने क्या किया है कि आपको सारे जो आप EDC मशीन यूज कर रहे हो एक बार ऐड कर देना है, और आपका आपके स्टाफ को जो भी EDC मशीन लिंक करना है तो वो बेसिकली कलेक्शन पेज में जाके, तो मैं आपको अभी एक बार बता देता हूँ। ओके, सो यहाँ यहाँ से कलेक्शन पेज है, कलेक्शन पेज में जाएंगे आप तो यहाँ पे मैनेज डिवाइसेस का ऑप्शन है, तो स्टाफ वहाँ पे जाके उसका खुद का ही डिवाइस लिंक और अनलिंक कर सकता है। अगर उसका डिवाइस ऑलरेडी लिंक है तो वो सिर्फ अपना खुद का डिवाइस ही अनलिंक कर सकता है, और अपना ही डिवाइस किसी और के साथ लिंक करना है तो वो लिंक कर सकता है। तो आपको बार बार स्टाफ का अगर डिवाइस अनलिंक हो जाता है वो तो चेंज करने की जरूरत ना पड़े। ओके, सो ये दो अपडेट थे। वितरण के अंदर आप मेनू में जाएंगे और RX मोबाइल में भी आप जब सेटिंग्स में जाएंगे तो वहां पे आपको ये डिवाइस लिंक या अनलिंक करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। नाउ वी कैन गो टू द क्वेश्चन आंसर सेक्शन। सो रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। ये आपने अभी जो बताया स्टाफ का लिंक करना, तो अगर एक ही, मान लीजिए एक ही डेस्कटॉप पे मल्टीपल स्टाफ अपने शिफ्ट में लॉगिन करता है, तो हर का अलग अलग लिंक करना होगा या उस डिवाइस को एक बार लिंक करना है, हर लॉगिन कोई भी करे चलेगा? नहीं सर, लॉगिन कोई भी करे चलेगा, मतलब एक डिवाइस को एक बार लिंक करना है। तो हाँ बेसिकली ठीक है, हाँ, स्टाफ की परमिशन इसलिए दी थी कि ऑनर अगर शॉप पे अवेलेबल नहीं और किसी रीजन से डिवाइस अनलिंक हो जा रहा है तो कोई भी स्टाफ कलेक्शन में जाके वो डिवाइस लिंक कर सकता है इसे। लेकिन एक डिवाइस वैसे एक ही बार लिंक करेंगे, उस पर लॉगिन कितने भी हो, मेरे 10 स्टाफ है तो कोई भी लॉगिन कर सकता है, वो डिवाइस अगर लिंक है तो ये 0 रन करेगा। राइट सर। यस सर, लोक सेवा फार्मेसी। सर जी, ये QR कोड जनरेशन है ना, तो मेरा बहुत टाइम से ये एक इंक्वायरी था कि जो वन क्लिक जो QR कोड वहाँ पे अपने को डिस्प्ले पे ही QR जनरेट हो सर, क्योंकि हमको ये डिवाइस नहीं लेना और DQR स्टैंडी भी नहीं लेना है सर, समझ लीजिए उसका चार्ज हमको देना पड़ेगा, क्योंकि अभी सर मैं ऑलरेडी लगभग 2.5 लाख 3 लाख का मैं UPI हर महीने लेता हूँ, बराबर है। तो कस्टमर वो डिस्प्ले पे ही मैं QR जनरेट करता हूँ सर, और वहाँ पे QR कोड स्कैन करा के वो पेमेंट लेता हूँ। तो अभी सर मेरे को स्टैंडी का जरूरत नहीं है क्योंकि उसका चार्जेस है सर, बराबर है, DQR का, डिजिटल QR कोड जनरेट होता है सर। तो ऐसा पॉसिबल ठीक है, करिए पचास सर, ऐसा पॉसिबल करिए कि वो वहाँ पे हमको डिस्प्ले पे QR जनरेट हो, वन क्लिक QR जनरेट हो सर, इंस्टेंट। ओके। तो सर आप PC यूज कर रहे हो या फिर मोबाइल पीसी एप्लीकेशन पीसी यूज कर पीसू लैपटॉप दोनों है सर। रहे हो? ओके ठीक है सर, मैं टीम से डिस्कस करता हूँ। मैंने बात ऑलरेडी किया हुआ है, क्योंकि अभी देखो मेरा अभी रेजर पे के साथ ऑलरेडी बात हो रहा है सर, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर। कस्टमर मेरा जो डेस्कटॉप का जो लैपटॉप का स्क्रीन है वहां पे वो स्कैन कर सकता है सर, कोई दिक्कत नहीं। मैं अभी भी
महीने का 2.5 लाख 3 लाख का सर यूपीआई ऑलरेडी ले रहा हूँ, तो मुझे क्यूआर वहाँ पे डिस्प्ले पे ही दीजिए ऐसा सर। क्योंकि अभी क्या रहता है सर, अभी मैं क्यूआर वहाँ पे लिंक जनरेट करता हूँ, लिंक ओपन करके जनरेट क्यूआर कोड कर करता हूँ, बस इतना प्रोसेस मेरा होता है सर। तो अभी वहाँ पे एक मेरे को ऐसा ऑप्शन दे दीजिए, वहाँ पे वन क्लिक करूँ तो वहाँ पे क्यूआर कोड जनरेट हो जाए और पेमेंट वहाँ पे रिकनसाइल हो जाए सर, तो वो मेरे लिए सर सबसे बेटर चीज़ हो जाएगा सर। ओके सर, मैं ये जो है वो अपनी टीम के साथ डिस्कस करता हूँ। हाँ। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो एक दूसरा भी ऑप्शन है कि भाई मोबाइल मोबाइल लॉगिंग तो ऑलरेडी हो रहता है सर, बराबर है, तो वो डिवाइस ईडीसी मशीन के ऑप्शन में हम उस डिवाइस में क्यूआर जनरेट करा सके सर, और वो स्टाफ वाइज जो लॉगिन रहता है सर वो मोबाइल में, तो वहां पे क्यूआर जनरेट कुछ कर सके सर। कुछ ऐसा भी होता है तो हमको वो डिवाइस या स्टैंड ही नहीं लेना पड़े सर। ओके ठीक है सर, ये मैं पॉइंट है वो अपनी टीम के साथ डिस्कस करता हूँ और फिर अपडेट करता हूँ। यस सर, सीयू मेडिकल फार्मेसी। मितेश, एक्चुअली मेरे पास जो ना आपका ये जो बीच में इनवॉइस लिखा आ रहा है ना, ये नहीं आता इंटीग्रेशन में। मतलब ये मतलब अगर मतलब कि बिल के ऊपर ये जो क्यूआर कोड आता है, ये वाली फीचर जो है ना, जो आप इंटीग्रेशन में आपके ने दिखाया इनवॉइस, वो नहीं आता। सर आप कौन सा इंटीग्रेशन कर रहे हो? पेटीएम से इंटीग्रेटेड है, और मेरे ख्याल से आपसे बात हुई थी मेरी एपीआई की से रिगार्डिंग की भी, बड़ी मुश्किल से इंटीग्रेट हुआ था ये पेटीएम मशीन। हाँ सर। हाँ जी, तो सर इसमें इनवॉइस का हाँ ऑप्शन, सर इनवॉइस का ऑप्शन आप एक काम करिए ना, अभी आप चेक कर सकते हो। तो पेटीएम का जो मैंने बताया ना, न्यू डिवाइस आप करेंगे जैसे ही, हाँ तो वहीं पर ही आपको मिल जाएगा इनवॉइस का ऑप्शन। नहीं, वहाँ जैसे मैं अभी खोल के देखता हूँ, मैं इंटीग्रेशंस जो है इंटीग्रेशंस में गया इस वक्त, और इसमें जो है पेटीएम में जाना है, सर पेटीएम में गया मैं, और फिर इसमें कॉन्फ़िगर करना है ना फिर, या मैनेज डिवाइस, मैनेज डिवाइस पे ही होगा सर। मैनेज डिवाइस में ऐड न्यू डिवाइस करूँ। अच्छा ठीक है, ऐड न्यू डिवाइस। अच्छा इनवॉइस का फीचर है, अभी इसको क्लिक कर दूँ हाँ तो इससे क्या होगा कि भी मेरे बिल्स के ऊपर वो प्रिंट आएगा, हाँ सर, और ईडीसी मशीन इंटीग्रेटेड रहेगी साथ में। हाँ मतलब ये मैं आपको फिर से बता देता हूँ ये कैसे वर्क करेगा। कि जैसे आप दो ईडीसी मशीन से आपके वो आप दो अलग अलग पीसी के साथ लिंक कर रहे हो, राइट? हाँ तो ठीक है, एक इसमें ऐसा फ्लो आ जाएगा कि एक ईडीसी मशीन है और एक इनवॉइस है, जो इनवॉइस एज अ हमने डिवाइस ले लिया है। तो उस पे हम क्या कर सकते हैं कि जैसे एक ईडीसी मशीन के साथ हम दो पीसी अलग अलग लिंक करते हैं, उस तरीके से एक इनवॉइस को हमने डिवाइस ले लिया है, तो आप डिवाइस के साथ ईडीसी अपना जो पीसी है वो लिंक कर सकते हो। तो जैसे ही ओके। आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो उस टाइम पे हमें कमांड मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो आपके अकाउंट का यूज करके जो क्यूआर होगा वो हम जनरेट करेंगे और वो ही क्यूआर इनवॉइस पर प्रिंट कर देंगे। अच्छा मितेश, एक चीज और, जैसे हम जैसे आपका ये बढ़िया सिस्टम है, ये जीरो इंटीग्रेशन मैं कर लेता हूँ और वो कस्टमर पे भी कर देता है, फिर मैं बिल जनरेट करता हूँ तो भी उसके कॉर्नर में क्यूआर कोड आता है बिल के, इनवॉइस के ऊपर, वो क्या पे करने के लिए होता है, ये क्या है वो? ओके सो ये कि बेसिकली ऐसे वर्क करता है कि जब तक आपका जो इनवॉइस है, कस्टमर का इनवॉइस है, वो क्रेडिट मोड में है यानी कि ड्यू मोड में है, तब आप अगर इनवॉइस जनरेट कर रहे हो, राइट? तो उस टाइम पे जो क्यूआर आएगा वो स्कैन टू पे का होगा। स्कैन टू पे का होगा मतलब कस्टमर वो स्कैन करके पेमेंट कर सकता है। और जैसे ही एक बार उसका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा आपकी सिस्टम में, और उसके बाद आप जैसे प्रिंट आउट निकालेंगे तो उस टाइम पे जो क्यूआर रहेगा वो क्यूआर स्कैन टू रीऑर्डर का होगा, मतलब कस्टमर उसको स्कैन करके आइटम्स रीऑर्डर कर सकता है। आपकी बात मान लेते हैं, जैसे क्रेडिट पे करेंगे तो वो ये जो आपका इनवॉइस वाला फीचर है वो ऑटोमेटिक निकलेगा बिल पे, ठीक है हाँ ठीक। और अगर उसने पे कर दिया और बिल हमने पहले निकाला था, अब उसको स्कैन करेगा तो वो पेड दिखाएगा ना? हाँ तो फिर वो पेड़ दिखाएगा। ओके।
अच्छा, तो मतलब ये है कि अगर हम क्रेडिट में निकालते हैं तो जो हम ऑनलाइन ऑर्डर्स लेते हैं तो उसमें वो स्कैन करके पे कर सकते हैं, मतलब बाद में, मतलब बिल के ऊपर स्कैन करके। हाँ, बिल के ऊपर स्कैन कर सकते हैं। तो बेसिकली उसमें अभी ऐसा है कि पेटीएम की ओर से कुछ मतलब टाइम लिमिट्स आती है कि जो वहाँ पे जो DQR दिख रहा है उसका जो पेमेंट लिंक है वो 2 घंटे में एक्सपायर हो जाता है, क्योंकि वो पेटीएम की ओर से है। तो अगर कोई कस्टमर्स ऐसा है जिनको मतलब आपके वहाँ पे सुबह में आते हैं मेडिसिन्स लेने के लिए और वो उनको पेमेंट शाम को करना है, तो उस टाइम पे आपको फिर मतलब नया इनवॉइस प्रिंट करके या तो फिर नया इनवॉइस का PDF करके उनको शेयर करना पड़ेगा। तो वो फिर नया उस टाइम पे नया QR जनरेट होगा, तो वो उसका यूज करके पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं, उसको दो घंटे रितेश में आप ही पेमेंट समझे नहीं, करना। समझे नहीं। हाँ जैसे मैंने कोई इंटीग्रेशन मतलब किया हुआ है वो बात अलग है, मगर मैंने क्रेडिट में जो है प्रिंट निकाल लिया बिल का, ठीक, हाँ हाँ तो वो जो QR कोड है वो तो मेरे ख्याल से वैलिड ही रहेगा ना, मेरे ख्याल से उसकी तो कोई टाइम लिमिट नहीं, क्योंकि उसका तो पेटीएम से कोई चक्कर ही नहीं है, वो तो आपकी तरफ हाँ से है ना। हाँ राइट, हाँ उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, वो तो वैलिड हाँ, तो ये बढ़िया फीचर है कि भी हम जो है जैसे रहेगा। ऑनलाइन ऑर्डर लेते हैं, क्रेडिट में प्रिंट आउट निकालें और जो डिलीवरी बॉय है वो उसी को स्कैन करके पेमेंट ले लें। टाइम हाँ लिमिट नहीं, होता है डिटेल ना, वो तो वो प्रिंट इनवॉइस पे प्रिंट हुआ जो QR कोड, हाँ वो जी QR कोड एटलीस्ट जो मैं यूज कर रहा हूँ अभी, पेटीएम ही यूज कर रहा हूँ, तो अगर 2 घंटे के बाद कस्टमर उसको स्कैन करता है तो कस्टमर को एरर आता है कि ये इनवैलिड UPI है, वो नहीं कर पाता है। नहीं नहीं युवराज जी, आप ये समझे कोई नहीं, मैंने पेटीएम ही नहीं यूज किया, मैंने क्रेडिट में ही पहले बिल निकाल दिया। बात नहीं, आपका इंटीग्रेशन पेटीएम है ना? हाँ जी वो तो है पेटीएम। हाँ हाँ, सर, तो वो तो जो बिल हाँ जो QR कोड निकाल रहे हैं ना, वो पेटीएम का ही QR कोड है, वो बस प्रिंटेड है वाइटल के इनवॉइस पे। मितेश आप करेक्ट कर दो, मतलब आपने बनाओ, आप लोग बनाए हो, मैं तो यूज कर रहा हूँ, तो मैं बता रहा हाँ जी हूँ। नितेश ओके जी, सो हाँ जैसे मैं समझाऊँ, आप ये कहना चाहते हो कि आपने पेटीएम का इंटीग्रेशन ऑन कर दिया है, राइट? हाँ जी। और हाँ उसके बाद आप प्रिंट आउट निकालेंगे इनवॉइस की, तो उस पर जो हाँ QR होगा ना वो हाँ QR पेटीएम का होगा, तो वो कस्टमर स्कैन करेगा और डायरेक्टली पेमेंट कर सकता है वो, राइट? जब तक आपने इन पेट हाँ मितेश जी, जहां तक मैं ये देखता हूँ ना, ये जो कोटेशन निकल मतलब जैसे ये जो QR कोड निकलता है क्रेडिट का, इस पे पेटीएम नहीं लिखाता कुछ भी, इसपे सिर्फ आपकी ऐप आती है और आपका QR कोड आता है और उसका जो है वो आता है मतलब कि पेमेंट। मेरे ख्याल से ये आपने जो हमारा अकाउंट लिया था ना स्टार्टिंग में सेटअप के वक्त, उस अकाउंट में जाते हैं। तो ये बेसिकली ऐसे वर्क करता है सर कि आपने आपने पेटीएम का इंटीग्रेशन कर दिया है, राइट? अब आपने ओके सिर्फ EDC मशीन का अगर इंटीग्रेशन किया है, आई थिंक हमने आपके अकाउंट में सिर्फ EDC मशीन का ही हाँ इंटीग्रेशन किया बिल्कुल, था। EDC का ही किया है। हाँ तो अभी हमने इनवॉइस इंटीग्रेट नहीं किया था ना, इसीलिए वहाँ पे जो QR आ रहा था वो ई-वाइटल का मतलब QR आ रहा था, जो आप स्कैन करते हो तो कस्टमर को वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करता है और कस्टमर वहाँ से पेमेंट कर सकता है, हाँ, राइट? ठीक ठीक अब जैसे ही आप हाँ पेटीएम का जैसे हमने आपको अभी बताया इनवॉइस वाला जो ऑप्शन है डिवाइस टाइप के अंदर वो आप सिलेक्ट हाँ करेंगे, तो उस टाइप पे जो QR आएगा वो QR चेंज हो जाएगा, वो फिर जो QR आएगा ना वो कस्टमर डायरेक्टली UPI ऐप से स्कैन करके पे कर सकता है, मतलब वो पेमेंट लिंक का QR आएगा। तो अच्छा, तो अब मैं इस इनवॉइस को हटा ही दूं, क्योंकि मुझे तो आपका ईवाइटल से पेमेंट मिल जाएगी, इस इनवॉइस की तो वैलिडिटी रहेगी ना 2 घंटे, जैसे युवराज जी बता रहे हैं, हाँ अगर अगर मैं पेटीएम का इनवॉइस यूज करूंगा तो। हाँ जी, तो मैं इसको हटा ही हाँ देता हूँ इनवॉइस को ना, EDC सही है और ये आपका ईवाइटल वाला QR कोड। ठीक 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 हाँ राइट। ओके। यस सर, लोक सेवा फार्मेसी। सर मेरा हो गया है वो, आप सर वो थोड़ा वो नोट डाउन कर लीजिएगा सर, मुझे रिवर्ट करिएगा सर, है ना। हाँ सर, मैं आपको वो डिस्कस करके रिवर्ट करता हूँ। हाँ सर। यस सर, युवराज सर। मैंने 2-3 क्वेश्चन, एक है जो पेमेंट मल्टीपल मोड में होता है, मतलब मान लो कस्टमर आया और अभी 100 रुपये कैश दे दिया, मैंने अपडेट कर दिया कैश, अगर मैं मशीन पे भेजू तब तो वो 100 माइनस होके वो जो भी डिस्प्ले होगा वो अमाउंट डिस्प्ले होता है, लेकिन अगर मैं लिंक भेजना चाहूँ तो लिंक पे वो माइनस नहीं होता है, जो पुराना वाला आपका लिंक चलता था।
राइट, तो हाँ सर, उसमें अभी जो पार्शियल पेमेंट का ऑप्शन है वो अभी हमने नहीं दिया है, तो वहाँ हाँ तो से ठीक नहीं कर सकते आप। है। हाँ मतलब तो ये फिर सेकंड क्वेश्चन इसी पे है कि इन स्टोर कस्टमर पेमेंट तो सब सही है, और ईडीसी मशीन से ले लो, पार्शियल ले लो, मल्टीपल ले लो, जो लेना ले लो। जब कस्टमर को हम डिलीवरी करते हैं उस केस में आई थिंक थोड़ा चैलेंज आ रहा है। एक तो या अगर मैं पेटीएम वाला यूज करूँ इंटीग्रेशन तो टाइम लिमिट होता है, कभी कभी हम डिलीवरी भी कस्टमर कहता है 5 बजे के बाद करना, बिल हमने 3 बजे बना दिया है, या फिर डिलीवरी तुरंत भी कर दी बट कस्टमर शाम को पे करने गया तो वो स्कैन करता है तो वो नहीं कर पाता पे। तो एक तो वो टाइम लिमिट अगर बढ़ सके, दूसरा ये कि ऐसे भी केसेस आए ऑलरेडी मेरे साथ कि कस्टमर कहता है भैया वो बिल तो नहीं है, या बिल तो मेरी मेड ने लिया था या कुक ने लिया था, उसने पता नहीं कहाँ रख दिया, आप मुझे क्यूआर कोड भेज दो व्हाट्सएप पे कॉल किया। अब व्हाट्सएप पे अभी जो मैं कर रहा हूँ, आपको बता ही रखा हुआ वैसे, अभी जो मैं कर रहा हूँ वो अभी इनवॉइस प्रिंट करता हूँ और उसकी फोटो लेके भेजता हूँ, ताकि तो इसका कोई बेटर सोल्यूशन अगर हो कि मैं क्यूआर कोड ही व्हाट्सएप पे भेज दूँ कि कस्टमर सिर्फ स्कैन करे, 2,000 से कम का बिल होगा तो अपने आप वो बिना स्कैन किए वो तो ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा, और वो तो कोई ऐसा अगर सोल्यूशन पे आपने वर्क किया है या करने हो तो वो अच्छा हो जाएगा डिलीवरी वाले केसेस के लिए। मेरा इसमें अभी नहीं तक जो एक्सपीरियंस रहा है 3-4 हफ्ते 5 हफ्ते का इन स्टोर, तो मोटा मोटी सब सही चल रहा है। डिलीवरी वाले में काफी परेशानियां आती हैं और कस्टमर फिर वही कहता है भैया फोन नंबर दे दो मैं कर दूंगा। अब फोन नंबर दे दूंगा तो ये पूरा जीरो का पर्पस ही डिफीट हो जाता है, फिर तो नॉर्मल पेमेंट शुरू हो जाता है। तो इसका कुछ सोल्यूशन आप बताना मत। युवराज जी, इसका सोल्यूशन जो है अभी मितेश जी ने शायद मेरे ही क्वेश्चन में दे दिया था। जैसे लिंक वाला मैंने बाय चांस जो है इन्वॉइस लिंक ही नहीं किया था, इन्होंने मेरी ईडीसी ही हाँ लिंक की थी वो, पहले। हाँ अगर आप वो लिंक जाता इन्वॉइस, है ना वो जो, हाँ वो पेटीएम में अगर आप इन्वॉइस को रिमूव कर दोगे ना, तो इनका जो डिफॉल्ट जो ई वाइटल की पेमेंट का इन्वॉइस है ना, वो मतलब वो पता है मुझे, क्यूआर बट कोड, उसमें उसमें बस प्रॉब्लम ये है ना, बहुत सारे कस्टमर खास करके ओल्ड एज वाले वो जैसे स्कैन करे या तो लिंक वो रिडायरेक्ट हो जाता है, वो अपने दूसरे वेबसाइट पे जाता है वाटल के वेबसाइट पे, और उस पॉइंट पे हाँ वो उनका क्वेरी होता है भैया ये कौन से वेबसाइट पे जा रहा है, या फिर मैं लिंक पे क्लिक ओके, नहीं ट्रस्ट करूंगा, तो इश्यूज आ वो जाते हैं। ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं। और आजकल जेन्युइन है ये, मतलब काफी सारे ऐसे लिंक होते हैं जिसको क्लिक करने से वो स्पैम स्पैम जो भी होता है, तो नहीं वो तो आप ये कर सकते हो ना, जैसे आप व्हाट्सएप कह रहे हो ना, तो आपने बिल बना दिया इनवॉइस इनवॉइस वाला जो इनका ई वाइटल का है, ठीक है, हाँ और उसको जो है आप प्रिंट करने के बजाय जो है ना प्रिंट प्रीव्यू में उसकी फोटो खींचकर आप भेज दो उस क्यूआर कोड की, वो उतनी अमाउंट का। फोटो तो खींच के हाँ भेज रहा हूँ वो कर रहा हूँ, बट अगर वो ओके, फोटो ना साइट खींचना साइट पड़े ई कुछ, वाइटल की साइट पे जाता है फिर वो। हाँ जी हाँ या तो साइट पे जाता है या फिर अगर मैं पेटीएम वाला भेजू तो फिर वो फोटो खींच के भेजना अगर उससे बेटर सोल्यूशन, वो तो अभी कर ही रहा हूँ मैं इनवॉइस, या तो प्रिंट करो या प्रीव्यू में जाके फोटो खींच के वो इनवॉइस वो क्यूआर कोड सेंड कर देता हूँ, कस्टमर स्कैन करता है। बट अगर कोई बेटर सोल्यूशन हो कि डायरेक्टली लिंक ना जाए और डायरेक्टली अगर क्यूआर कोड ही चला जाए उसको अपने आप ऑटो स्कैन हो जाए जो होता है, तो मतलब तो वो अच्छा सोल्यूशन हो जाएगा। अभी अभी उसमें ही मुझे चैलेंजेस आ रहे हैं थोड़े, और कुछ कस्टमर बेसिकली ऑलरेडी कह आप रहा है तो भैया ये बार बार कहना प्रॉब्लम चाह रहे है। हो कि पेटीएम का जो क्यूआर कोड है उसकी वैलिडिटी इंक्रीज हो, आप ये कहना चाह रहे हो एक क्योंकि तो वो है ही, वो तो इंक्रीज होने वो मतलब वो हो पाए तो बेटर है, बिकॉज 2 घंटे में बहुत लोग नहीं, बहुत सारे लोग जो जान पहचान वाले होते हैं वो नहीं करते। और सेकंड मेरा ये है कि अगर कोई तरीका हो जिससे क्यूआर कोड, जैसे आप स्टैंडी का फोटो लेके भेजते थे ना स्टैटिक क्यूआर कोड जो होता था हमारा, अभी भी होता ही है, तो उसमें वो क्यूआर कोड ही चला जाता है और कस्टमर आराम से पे कर देता है, तो कोई तरीका हो कि मैं क्यूआर कोड भेज सकूं उसके व्हाट्सएप पे रादर देन लिंक भेजूं जो अभी जा रहा है। तो मतलब नीतेश मैंने ऑलरेडी आपको बता भी रखा, आप हाँ अपडेट कर देना मुझे। हाँ तो सर, जो क्यूआर वाला है ना वो, और जो एक्सपायरी टाइम है, एक्सपायरी टाइम का तो पेटीएम की साइड से है, तो वो हम उनके साथ अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो जैसे ही उसमें कुछ अपडेट आता है मैं आपको पर्सनली ऐसा हो तो अपडेट करता हूँ। और जो क्यूआर वाला है वो भी मैं फिर से अपने सीनियर्स के साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि कितना हम उसमें इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं, राइट। सो अभी क्यूआर वाला जो और है, पार्ट मतलब पेमेंट लिंक वाला वाला भी, पार्ट पेमेंट ऑनलाइन लिंक में कौन मल्टीपल सा, पेमेंट्स,
मल्टीपल पेमेंट्स लिंक के थ्रू। ओके हाँ, वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। मतलब आप जो इवाइटल वाले लिंक है उसकी बात कर रहे हो ना सर? हाँ इवाइटल वाली लिंक, या हाँ इवाइटल वाली लिंक ही है अभी तो। हाँ ठीक, हाँ तो हाँ, मैं उसकी भी बात कर ले। तो DQR के अंदर आप अभी एक चीज़ ये कर सकते हो कि कोई कस्टमर बोलता है कि मुझे फिर से QR भेजो और ऐसा कुछ, तो उस टाइम पे आप फिर से इन्वॉइस पर क्लिक करेंगे, राइट? तो उस टाइम पे जो इन्वॉइस पे QR आएगा ना, वो नया QR आएगा। वो पता है। तो अभी के लिए आप इन्वॉइस जो है वो नया इन्वॉइस शेयर कर सकते हो, और हम वही उस कर रहा हूँ पे अभी। हम हाँ तो हम डिस्कस करके फिर अगर हम डायरेक्टली कुछ QR शेयर कर सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है, तो मैं सर सीनियर से डिस्कस करके फिर आपको अपडेट करता हूँ। मितेश जी, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि देखिए, कोई ना कोई पेमेंट गेटवे तो चाहिएगा कंपनी का, जैसे पेटीएम या ई वाइटल। जब जब भी कोई स्कैन करेगा वो किसी ना किसी साइट पे तो जाएगा ही। अब अगर पेटीएम वाले 2 घंटे का ही कह रहे हैं, क्योंकि आप तो पेटीएम की कंपनी हो नहीं, तो आप तो एक्सटेंड कर नहीं सकते टाइम। आप अपना ई वाइटल का 24 आवर्स कर ही रखा है आपने, तो इसके अलावा तो मेरे ख्याल से कोई, मेरे को तो नजर नहीं आ रहा सोल्यूशन। वो डिस्कशन आई थिंक ये चल रहा है कि पेटीएम के एंड से ही कोई ऑप्शन हो कि 2 घंटे के बदले 23 घंटे या बारह हाँ, घंटे या ये हो 24 घंटे। सकता। हाँ, वो हम पेटीएम के साथ ही डिस्कस कर रहे हैं कि जो 2 घंटे का एक्सपायरी टाइम है वो हम कुछ हद तक एक्सटेंड कर पाए। एक एक और क्वेश्चन है, अगर हाँ किसी और के नहीं है तो फिर ये यस जो वाईफाई वाला एक स्टोर जो मेरा है उसमें ना वाईफाई में थोड़ा प्रॉब्लम आती है, तो कभी कभी जैसे आपने कहा वो डिले आता है, काफी लैग आता है, या कभी कभी वो जाता ही नहीं है। तो ये वाईफाई के अलावा भी कोई ऑप्शन होता है क्या कि सिस्टम से डायरेक्टली कनेक्टेड रहे वाईफाई पे हो ना हो, या कुछ और, मतलब जहाँ वाईफाई वाईफाई या फिर वो जो सिम का नेटवर्क होता है अगर वो मोबाइल वीक हो तो कोई ऑल्टरनेटिव्स भी होते हैं इसमें? नहीं सर, मेनली तो ये दो ही होते हैं, वाईफाई या ठीक है, फिर ठीक सिम कार्ड, दोनों से ही कनेक्ट करना पड़ता ठीक है। और दूसरा रीसेंट, मतलब कल और आज का मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जो रिकनसाइल होता है ना, पेमेंट हो गया मेरे मशीन पे, वो आ गया कि पेमेंट हैज बिन रिसीव्ड, बट वो रिकनसाइल में टाइम लग रहा है काफी। आज आज भी 2-3 बिल में ऐसा हुआ है, अगर और होता है आजकल तो मैं फिर से अपडेट करता हूँ, बट पेमेंट हो जाता है बट रिकनसाइल इमीडिएट नहीं होता है। इमीडिएट मतलब 1-2 सेकंड में भी नहीं होता, वो काफी टाइम लगता है, कस्टमर चला गया उसके 1 मिनट 2 मिनट बाद वो रिकनसाइल हो रहा ओके तो वो हम देखते हैं सर, उसमें अगर कोई इश्यू है तो हम आपको पर्सनली कांटेक्ट करते हैं। ओके सो एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस नाउ? है। हाँ मितेश जी, हाँ यस सर। ये जो आपका जो अब इनवॉइस पे ई वाइटल वाला क्यूआर कोड आता है, इसकी जो पेमेंट होती है ये हमारे अकाउंट में तो आ जाती होगी ना? क्योंकि मैंने चेक नहीं किया है, क्योंकि कुछ आरबीआई की गाइडलाइन आई थी, तो कुछ वो पंगा तो नहीं हो गया आपकी तरफ? नहीं सर, वो T+1 day में सेटलमेंट होता है तो वो आपके अकाउंट्स में आ जाती है। हाँ मतलब ठीक है, आ जाती है ना, मतलब क्योंकि मैंने चेक नहीं किया कि हाँ ई वाइटल के क्यूआर कोड से आती है मतलब अकाउंट में। हाँ जी ठीक है, हाँ सर, वो आ जाती है फाइनल सेटलमेंट्स। ओके। ओके सो इफ एनीवन डोंट हैव एनी क्वेश्चन देन वी कैन एंड दिस कॉल। नितेश, ये डायनामिक क्यूआर कोड पेटीएम का मैंने देखा है कई जगह पे, मगर मुझे ऑनलाइन परचेज के लिए मिला नहीं डायनामिक क्यूआर कोड पेटीएम का। डायनेमिक क्यूआर मतलब सर स्टैंडी की बात कर रहे हो? हाँ डायनामिक स्टैंडी क्यूआर, क्योंकि मेरे पास 2 EDC मशीन्स तो हैं, वो तो ठीक है, मगर वो डायनामिक क्यूआर कोड जो स्टैंडी वाला है ना, वो अच्छा लगता है, मतलब उसमें लाइट मतलब एक तरीके से ना, तो वो क्या पेटीएम ने बंद कर दिया? अगर अगर इंफॉर्मेशन है तो
सो आई थिंक वो प्रोवाइड कर रहे हैं डायनेमिक क्यूआर, लेकिन उसमें अभी मतलब एक प्रॉब्लम ये है कि वो जो क्यूआर होता है, डायनेमिक क्यूआर होता है, वो उनका जो डिवाइस है वो वायर्ड कनेक्शन है, तो हमें फिजिकली वायर्ड से मतलब वो डिवाइस लैपटॉप या पीसी के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। और एज एन क्लाउड मतलब हम क्लाउड बेस्ड है तो ब्राउजर से ऑपरेट करते हैं, तो ब्राउजर हमें इतना मतलब सर्विस प्रोवाइड नहीं करता कि हम फिजिकली जो कोई डिवाइस अगर अटैच्ड है हमारे डिवाइस के साथ तो वो हम एक्सेस कर पाए, तो वो हम डायनेमिक क्यूआर स्टैंडी जो है वो इंटीग्रेट नहीं कर सकते। पेटीएम की रेजर पे जो है वो वायरलेस प्रोवाइड कर सकता करता है, तो वो हम वायरलेस जो है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडेज कॉल।